हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 20वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक बेहद खास टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि मेरा फेवरेट है। और आपको तो बताइए, जब भी मैं अपने फेवरेट टॉपिक्स पढ़ाता हूं तो वो कितने स्पेशल होते हैं, कितने मजेदार होते हैं। आज के दिन मैं आपको सिर्फ एक वर्ब के इस्तेमाल से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। हां जी, आपको सेंटेंस पेंटेंस नहीं बनाने, मात्र एक वर्ब के इस्तेमाल से आप इंग्लिश में जवाब भी दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अब आपको जल्दी हो रही होगी ना कि यार ये तो जल्दी समझाओ मैं, ये कैसे होता है। अब ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 20वें दिन मैं आपको सिखाता हूं वर्ब के इस्तेमाल से अंग्रेजी बोलना। अब एक बात तो आप सबको पता होगी, वो ये कि वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। पता थी ना? तीन ही पता थी। अरे, तीन के अलावा दो और होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म, ये भी होती है। वीडियो के साथ साथ सीखते चले जाओगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। हर फॉर्म के साथ एक हिंदी अटैच्ड होती है, एक ट्रांसलेशन अटैच्ड होती है। और वो हिंदी अगर आपको पता चल जाए तो आपको खाली वर्ब से ही जवाब और सवाल करना आ जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट वाली अभी स्किप कर देते हैं, फर्स्ट वाली के बारे में हम वीडियो के एंड में सीखेंगे। सेकंड से शुरुआत करते हैं। अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसके साथ एक हिंदी अटैच्ड है और वो है लिया, दिया, किया। अब ये वो लेना देना वाला नहीं है कि लेन देन करा कोई, मतलब कोई काम कर लिया, कोई काम कर दिया, ये वो वाला है। अब कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म उठा लो, जैसे ईट की सेकंड फॉर्म एट, इसका मतलब खा लिया। देखा, ईट माने खाना, खा लिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रू फेंक दिया। बाथ की सेकंड फॉर्म बाथड, नहा लिया। कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, पका लिया। ऐसे अर्न माने कमाना, उसकी सेकंड फॉर्म अगर होगी कमा लिया। ये लिया, दिया, किया इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यूज कैसे करना है, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या तुम्हारे थोबड़े के सामने किसी ने इंग्लिश में तुमसे कहा डिड यू सेंड द मनी, क्या तुमने पैसे भेजे, तो आपको लंबी चौड़ी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही तो बोलना है हां भेज दिए। सेंट, सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट होगी, आवाज भेज दिया। अरे, हमसे पहले तो नोकिया के मोबाइल चलते थे ना बचपन में, जब इंग्लिश भी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, वो ससुर में लिखाता था सेंट। अब पता चला वो तो सरताज सर की नकल कॉपी, पता नहीं कहां से उससे कॉपीराइट मिल गया था, ऐसे आता है। ऐसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा तुमसे पूछा है भाई तुझे घर पे छोड़ के गए थे, खाना पका लिया, तो तुम कह दो कुकड़, हाँ कुकड़। अब उन्हें समझ में आ जाए तो सही है, वरना कहेंगे कुकड़ू कर रहा, लात मारेंगे, मतलब आती होगी इतनी इंग्लिश तो। तो ये कुकड़ मतलब पका लिया। और किसी ने तुमसे कहा पैसे दे दिए, उसके तो उधार लिए थे, चप्पल खा के देगा क्या, पैसे दे दिए, तो अगर तुम्हें कहना है हाँ दे दिए, गैव, गैव, देखा आ रहा है ना मजा। तो इस तरीके से जब भी किसी काम को कहना है कर दिया, खेल लिया, दे दिया, हाँ हाँ पूछ लिया, हाँ 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 दिखा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी सेकंड फॉर्म। अब तुमने ट्रेड फेयर देख लिया और तुम कहोगे हाँ देख लिया, सौ, सौ, ओहो यस, मजा आया ना, मजा आया। चलो भाई, इस तरीके से जवाब देते हैं। तो सेकंड फॉर्म में हमेशा जुड़ा होता है लिया, दिया, किया, खा लिया, पढ़ लिया, देख लिया, सो लिया। अब तुमने लाइक कर दिया तो कह दो लाइक्ड, लाइक्ड, तो चलो लाइक, अब कहने से पहले झूठ मत बोलो, कर दो। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। अब थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो सुनो, इसके साथ हिंदी अटैच्ड होती है और वो हिंदी है लिया है, दिया है, किया है। यानी अलग से आपको हैज, हैव, हैड, पैड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर इसकी हिंदी यही होती है। और अगर बात पास्ट की हो रही है तो इसमें ऑटोमेटिकली था लग जाता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यानी लिया है, दिया है, किया है भी इसका मतलब, लिया था, दिया था, किया था भी इसी का मतलब होता है। अब देखो आपको जवाब कैसे, वो कोई पूछे कैसे, अरे खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे यस खा लिया, तो एट ही हो जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म। और अगर आप कहना चाहते हैं खा लिया है, पूरा बोलना चाहते हैं इटन, इटन, हो मजा आ रहा है ना, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर आपको जैसे कोई पूछे अरे वो रेल कहाँ गई, रेल, तुम कहो रेल तो चली गई, तो पूरे इंग्लिश नहीं आती, गॉन, गॉन,
मजाक तो नहीं समझ रहे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। व्हाट्सएप वगैरह पे चैटिंग पे ऐसे इस्तेमाल करो और आपको खुद ही फील होगा कि हाँ, सामने वाले को भी लगेगा कि आपको इंग्लिश आती है। इसी तरीके से आप और कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म उठा लो, जैसे कि एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है मुझे, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। कोई तुमसे पूछा पैसे दे दिए, तो खाली इतना बोलना हाँ दे दिए, तो गैव हाँ दे दिए हैं, यानी टाइम हो गया एक दिए हुए, या गिवन, या गिवन। इस तरीके से किताब लिख ली, रिटन लिख ली भैया, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म, पढ़ ली रीड की थर्ड फॉर्म, रेड रेड होती है ये रेड मतलब कलर वाला रेड नहीं है, तो ये हो गई। अब हो सकता है तुम्हारे भेजे में ना घुसे, लेकिन भैया घुसेड़ लो, इसी तरीके से बोल सकते हैं। अब जब भी जैसे कि कोई भी आपसे कोई काम करने के लिए पूछे और आप कहें कर लिया है, तो थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं, सेकेंड भी कर सकते हैं, मैंने भी आपको बताया, क्योंकि उसका मतलब भी होता है लिया, लेकिन यह परफेक्ट है, लिया है, ऐसा हो गया है। अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्म की, और फोर्थ फॉर्म पता कौन सी होती है, एस या एस वाली, जैसे गो की फोर्थ फॉर्म गोज, गो मैं बोलना नहीं रहा, गोज, स्लिप्स, ईट्स, रन्स, पंस, ठंस, जो एस लगा के जो होती है। अब इसकी हिंदी क्या होती है, इसके साथ भी एक हिंदी अटैच्ड होती है, और इसके साथ जो हिंदी है वो है ताहे ती हैं ते हैं, इसकी हिंदी होती है ताहे। अब आप कहोगे इसके लिए तो डूडस फूडस लगाना चाहिए, वो टेंस है पूरा, जब बोलना ही नहीं है तो खाली आप ऐसा लगा के बोल दो। जैसे मैं कहूँ रवि स्कूल जाता है, हैं भाई रवि स्कूल जाता है, तो तुम सिर्फ इतना बोल दो गोस, हाँ जाता है, इसका मतलब जाता है। जैसे मैंने पूछा सचिन क्रिकेट खेलता है, तो आप कह दो प्लीज खेलता है। इसी तरीके से डांसेस नाचता है, रन्स भागता है, वॉचेस देखता है, स्लिप्स निन्नू करता है, मेरा मतलब सोता है, ईट्स भरता खाता है, तो ये सारे ताहेती हैं ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं अगर इसमें एस लगा दिया जाए तो। तो नेक्स्ट टाइम कोई चैटिंग पे तुमसे पूछ ले कि भाई वो क्या नाम है तुम्हारा जो पड़ोसी है, वो अभी वहीं रहता है या नहीं रहता, तो लिख दो एल आई वी ई एल लीव्स, रहता है भाई साहब, सामने वाले कहो तेरी कितनी खतरनाक इंग्लिश है, ये तो बड़ी शॉर्ट शॉर्ट मार रहा है। अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ फॉर्म की, इसकी मतलब जो टॉपिक चल रहा है। अब जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है भैया आईएनजी वाली, जैसे गो, इंग, स्लीपिंग, इंग, 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 ठीक है। तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अब इस आईएनजी वाली फॉर्म में एक वर्ड ऑटोमेटिकली अटैच्ड होता है, एक ट्रांसलेशन एक हिंदी इसके साथ रहती है, रहा, रही, रहे। अब इसके साथ है, हूं, हो ऑटोमेटिकली लग जाता है, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है ऑटोमेटिकली, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो था थी थे ऑटोमेटिकली लग जाता है। जैसे किसी ने तुमसे पूछा सो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, तो तुम्हें कहना मैं सो रहा हूं, तो आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग चैटिंग में स्लीपिंग खत्म, काम इतना ही। हाँ तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल, वर्किंग, ओह भाई सामने वाला कहेगा भूखा बैठा है, तो ये तो शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा, बस ढंग से जवाब भी नहीं दे रहा। लेकिन भैया जब इंग्लिश ना आए तो यही ढंग होता है। इसी तरीके से सामने वाले को ये दिखा सकते हो कि आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, बल्कि इतनी बढ़िया आती है कि शॉर्ट मार रहे हो। अब ऐसे ही क्या फिल्म देख रहे हो क्या, वॉचिंग, 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 लाइक कर रहे हो क्या, लाइकिंग, ओहो लाइक कर रहे हो, इसका मतलब, यानी अगर मुझे कहना है मैं सो रहा हूँ, स्लीपिंग, रहा ऑलरेडी अटैच्ड हो गया, ठीक है। और अगर पास्ट की बात हो, जैसे मैं ही पास्ट में पूछ लो, कल तुम क्या कर रहे थे, है भाई कल छत पे तुम वहां खड़े थे, क्या कर रहे थे, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ा रहा था, ऑटोमेटिकली आईएनजी लगाने के बाद इसमें था जुड़ गया, क्योंकि मेरा सवाल था में था, तो जो जिसमें सवाल पूछे ले बस तुम आईएनजी में जवाब दे दो, वो कर रहे हो या कर रहे थे। मान लो तुम खाना पका रहे हो, और भाई क्या चल रहा है, क्या कैसे गैस के पास खड़े हो, कुकिंग, ओ खाना पका रहा, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आप चैटिंग पर या फिर किसी को शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं तो रहा, रही, रहे ऑलरेडी इसमें अटैच्ड होता है। कोई एक बार फिर से बताए तो, कोई तुमसे फोन करके पूछ ले अरे सचिन खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, तो तुम कहते प्लेइंग मतलब खेल रहा है, प्लेज मतलब खेलता है, प्लेड मतलब खेला, चला गया, खेल लिया है। अभी तो मैं इतनी फॉर्म सिखा तो दी, यह थी आई जाली। अब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट करनी पड़ेगी कुछ है। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम आती है, यानी किसी को ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्ट करना है, या फिर किसी बात के लिए कहना है उसके लिए काम आती है। जैसे किसी कहना है इधर आओ, इधर 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 आओ, कम देखा खाओ, चलो रखा खाओ, ईट बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सिट चल चल निकल ले यहां से, गो
बोल बोल चुपके बैठा बोल स्पीक। तो देखा वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसका पूरा मतलब बन रहा है, पूरा सेंटेंस बन रहा है। अच्छा देखो वो बटन दबाए, बटन है ना नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का, प्रेस प्रेस उसका मतलब है दबा दो, लाइक लाइक कर दो, फर्स्ट फॉर्म बोलनी है बस खाली। तो जैसे कि आपको किसी को बोलना है इंतजार करो, इंतजार करो, वेट, ये तो तुम बोलते ही हो मेरे बताने से पहले ही तुम वेट वेट बोलते हो, और तुम तो इतने एडवांस हो डब्लू और एट लिख देते हो, तुम सोचते हो हम बहुत बड़े वो हो गए। तो ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा दिया जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव, एक तो बोलना नहीं आता इंग्लिश जी के, इन्फिनाइट इन्फिनेटिव बोलते हैं सही, इन्फिनेटिव बन जाता है, और उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है ना नी ने, जैसे खाना टू ईट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना टू गो, खेलना टू प्ले, हंसना टू लाफ, ऐसे पढ़ना लिखना सोना जागना देखना हंसना पीटना ये सब करना, तो टू लगा के ये ऐसे बनता है, नानी ने जब ही बनता है जब टू लगता है, वरना खाली इंस्ट्रक्शन हो जाएगा गो माने जाओ, चलो जाओ यहां से गो, और टू गो जाना। अब देखो इसके साथ आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना आ रहा है इसमें, पहले ये बनाओ झूठ बोलना, झूठ बोलने को टेल अ लाई बोलते हैं, लेकिन ना आ रहा है तो टू लगाना पड़ेगा, टू टेल अ लाई पाप है इज अ सिन, सिन सिन बोल रहा हूँ, सिंस नहीं बोल रहा हूँ, कभी तुम आप जो नहीं समझ रहे हो मेरे मुझे, तो टू टेल अ लाई इज सिन, ये हो गया झूठ बोलना पाप है, खेलना आसान है, टू प्ले इज ईजी, अंग्रेजी बोलना एक कला है, अब ना रहा इसमें भी, टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट यानी एक कला है, तो जहां पर भी आपको ना वाले बोलने हैं, खेलना चाहिए वो जो है, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, बोलना बहुत बुरी आदत है, कार चलाना एक कला है, आसमान में देखना एक गंदी आदत है, आंखें खराब हो जाती है उससे, दिन में देखो, तो इस तरीके से आप टू लगा कर भी कई कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो अब वापस से मैं इकट्ठा कर लेता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है, किसी को ऑर्डर फॉर्डर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले अगर टू लगा दिया जाए तो नानी ने हो जाता है, जाना आना खाना पढ़ना सोना टू रीड टू कम टू हम, सेकंड फॉर्म आए तो लिया दिया किया, खा लिया पढ़ लिया सो गया बैठ गया फेंक दिया उठा लिया खा लिया भर लिया नाच लिया फाड़ दिया कपड़े पपड़े, इस तरीके से। थर्ड फॉर्म मतलब लिया है खा लिया है सो गया है चला गया है भाग गया है या भी निकल गया है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐसे ये सारी ताहेती हैं, जाता है पढ़ता है गोज जाता है स्लिप्स सोता है ईट्स खाता है रन्स भागता है डाइज मरता है, चलो ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म आईएनजी वाली रहा है रहा रही रहे गोइंग जा रहा है या था कुछ भी लगा सकते हैं, स्लीपिंग सो रहा रीडिंग पढ़ रहा, ऐसे अटैच हो जाती हैं। तो टोटल वर्ब की पांचों फॉर्म आपने देखी, जिनके इस्तेमाल सब कमाल कमाल के जवाब फवाब बना सकते हो। इस पे भी होमवर्क दूंगा, छोड़ूंगा तुम्हें कहीं भी नहीं, ये मत सोचना कि अब वेल्ले घूमोगे तुम बाहर जाके, होमवर्क लगाओ इनके लिए, और ऐसा लगाना जो तीन चार साल में भी ना हो सके। ये रहा आपका होमवर्क। अब इसमें बड़े छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं हिंदी के, और जो है आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन वर्ब की किस फॉर्म से कौन सा वाला मैच हो रहा है वही वाली उसकी फॉर्म लिखनी है, ट्रांसलेट क्या करना है वर्ब ही लिखनी है, उसकी सही फॉर्म लिखनी है जो भी तुम्हें लगती है, और वो वाली लिख के भैया अपनी नोटबुक में पहले 70 बार चेक कर लेना, समझ में आए मतलब लगे कि हाँ ठीक है, तो फिर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में छेद देना, मैं लाइक कर चेक कर दो, गलती करोगे तो कमेंट में ही आपको बता दूंगा। और कल वाला होमवर्क, ये वाले होमवर्क का आंसर तो मैं आपको कल वाली वीडियो में दे ही दूंगा, वहां से मैच कर लेना, लेकिन कल जो मैंने आपको पढ़ाया था 19वें दिन उसका आंसर मिला, तो 19वें वाले दे लो, ये रही आपके 19वें वाले दिन की आंसर शीट। कल आपने जवाब कमेंट में दिए थे, मैं लाइक चेक हर्ट फर्ट कर दिए थे, फिर भी मैच कर लो ताकि तसल्ली हो जाए। कई लोग कहते हैं सर आंसर भी दिया करो, तो दे देता हूं हर दूसरे दिन, आज वाले का कल मिलेगा कल वाले का परसों, हर वीडियो मिलता है तो इसे भी देख लेना। तो भाई सब ये थी आज की वीडियो वर्ब एग्रीमेंट। ओ हाँ याद आ गया, इस टॉपिक को वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। शिट यार मैं शुरू से याद करने की कोशिश कर रहा था क्या बोलते हैं, गूगल भी कह रहा था तुम खुद ही ट्यूशन ले लो तुम क्यों इंग्लिश सिखा रहे हो, याद आ गया था वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वर्ब एग्रीमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, आने वाले दिनों में मैं आपको सेंटेंस एग्रीमेंट मकान का एग्रीमेंट और पानी का फानी सब एग्रीमेंट करके जाऊंगा आपके साथ। अब जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देकर जाना।